सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पुनरावलोकन कार्य दो को करेंगे। पुनरावलोकन कार्य दो मैंने हिंदी व्याकरण से लिया है। आप इसे अपनी कॉपी में लिखोगे और इसे याद करोगे। पहला प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। भारत की राष्ट्रभाषा खाली जगह है हिंदी या अंग्रेजी? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना ही खाली जगह का काम है, हिंदी या भाषा? अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा का काम है। पत्र लिखना भाषा का खाली जगह रूप है, मौखिक या लिखित? पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषण देना भाषा का खाली जगह रूप है, मौखिक या लिखित? भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है। गाना गाना भाषा का खाली जगह रूप है, मौखिक या लिखित? गाना गाना भाषा का मौखिक रूप है। प्रश्न संख्या दो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, यानी सही ऑप्शन पर आप सही का चिन्ह लगाओगे। हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा द्वारा, खेल द्वारा, मनोरंजन द्वारा? किसके द्वारा करते हैं? हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करते हैं। तो आप भाषा द्वारा में टिक लगाओगे, सही का निशान लगाओगे। भाषा के प्रकार होते हैं 2, 3, 4। भाषा के दो प्रकार होते हैं, तो आप दो में सही का निशान लगाओगे। तीसरा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे कहते हैं लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे कहते हैं लिखित भाषा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए हुए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ या चिन्ह लगाओ। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सही, आप यहाँ सही का निशान लगाइए, क्योंकि आप जानते ही हो कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, सही या गलत? सही, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में केवल एक भाषा बोली जाती है, सही या गलत? यह बिल्कुल गलत है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है, यह बिल्कुल सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है, सही। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, सबको समझाते हैं। हम अपने विचारों को सबको समझा पाते हैं, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो यह बिल्कुल सही है, विचारों का आदान प्रदान ही
भाषा कहलाती है, सही का निशान लगाओगे। लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, लिखित भाषा को कैसे प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो इसलिए आप यहाँ सही का निशान लगाओगे। भाषा के चार प्रकार होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को हम भाषा के रूपों में नहीं गिनते, तो भाषा के दो प्रकार होते हैं, इसलिए यह बिल्कुल गलत होगा। भाषा के चार प्रकार होते हैं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है, इसलिए आप यहाँ पर गलत का निशान लगाओगे। चौथा प्रश्न, प्रदेश व उसमें बोली जाने वाली भाषा का सही मिलान करो। आंध्र प्रदेश किस प्रदेश में बोली जा, यहां पर आप देख रहे हो इस तरफ प्रदेश का नाम है और ये भाषा है, तो आपको प्रदेश से भाषा को मिलाना है कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। इस तरह से आप इसको मैच करोगे, मिलान करोगे। प्रश्न संख्या 5, खाली जगह भरिए। भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। खाली जगह द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। तो आप खाली जगह में क्या भरोगे? भाषा। लिखित भाषा को खाली जगह की आवश्यकता होती है। लिखित भाषा को किसकी आवश्यकता होती है? सीखने की आवश्यकता होती है। और मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं, उसको आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो लिखित भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है, तभी आप लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। इस तरह से आप इन सब को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।